अपने का किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे वेरी पॉपुलर एंड सबकी फेवरेट आलू अंडा कटलेट, जिसे कि कबाब भी कहते हैं। हल्की फुल्की भूख हो या जब कुछ समझ ना आए तो बनाइए आसान सा नाश्ता, जिसे आप सुबह शाम कभी भी बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। सिंपल सी रेसिपी है। रेसिपी बताने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए कटलेट बनाना शुरू करते हैं। हमने लिए 3 आलू, 2 अंडे इन्हें उबाल के रख लिए हैं, 1 प्याज जिन्हें बारीक काटा है, 3 से 4 हरी मिर्च है इन्हें बिल्कुल बारीक काट लिया है, थोड़ा लिया है हरा धनिया, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच भुना जीरे का पाउडर, नमक लिया है स्वाद अनुसार, थोड़ा हमने लिया है ब्रेड क्रम्स, 3 से 4 चम्मच हमने लिया है बेसन, ये रोस्टेड बेसन है, 1 अंडा लिया तेल लेके तलने के लिए। तो सबसे पहले हम ग्रेटर लेंगे, आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आलू को हमने ग्रेट कर लिया, अंडों को भी इसी तरह ग्रेट करेंगे। आलू अंडों को अच्छे से ग्रेट कर लिया, इसमें मिलाएंगे प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये सभी मसाले जो हमने बताए थे इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच बेसन, जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा डाल लेंगे बेसन को, इसे अच्छे से करते हैं मिक्स। अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये जो हमने बेसन रखा था इसे हम नहीं डाल रहे, बचा लेते हैं। तो मिश्रण हमारा अच्छे से मिल चुका है, इसमें से हम हाथों में लेंगे थोड़ा तेल और इसमें से एक बराबर पोर्शन लेते हुए टिकिया का आकार देते हुए कटलेट बना के रखेंगे। अच्छे से गोल घुमाएंगे ताकि इसमें कोई क्रैक ना आए। तो देखिए कितने अच्छे कटलेट बनाए, तो इसे रखते हैं साइड में, इसी तरह बाकी के तैयार कर लेते हैं। हमारा सभी कटलेट बन गए, इतने होल में हमारा 8 कटलेट बन गए तैयार हुए हैं। तेल को गर्म होने के लिए रखते हैं। गैस को ऑन करते हैं, तेल गर्म होने के लिए रखते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो आंच को करते हैं मीडियम, और जो हमने अंडा लिया है इसको अच्छे से बीट कर लेते हैं। एक कटलेट लेंगे, अच्छे से उसको अंडे में डीप करेंगे बिल्कुल। इसको हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स में, दूसरा हाथ हमें सूखा रखना है और उससे अच्छे से इसको कोट करेंगे। तो इसको डाल दें गरम तेल में।
हम दूसरा तैयार करेंगे। इसको भी डाल देंगे तेल में। आंच को हम वापस थोड़ा तेज करेंगे। आंच को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कम ज्यादा पे। तो एक तरफ से हमारा कटलेट अच्छी तरह तल चुका है, तो इसको पलट लेते हैं। दूसरी साइड से अच्छे से तलेंगे इसे बिल्कुल। तो हमारे दूसरे साइड अच्छे से तल चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। इसी तरह बाकी भी तैयार करेंगे। कटलेट हमारा अच्छे तल चुके हैं, तो गैस को करते हैं बंद और उनको निकाल लेते हैं बाहर। तो चलिए इन्हें सर्व करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है आलू अंडे के कुरकुरे क्रिस्पी टेस्टी चटपटे और मसालेदार कटलेट। इन्हें आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएंगे। इनका टेस्ट इतना लजीज होता है कि आप इन्हें बार बार बनाएंगे और सबको खिलाएंगे। इन्हें आप अपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारा चैनल आफ्टर इनका किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।